बीए बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में हम अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन पढ़ रहे हैं। इसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में शैक्षिक उद्देश्यों की परिभाषाओं को पढ़ा था कि हम शैक्षिक उद्देश्य को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं और क्या उसका संप्रत्यय होता है। साथ ही इसके साथ हमने शैक्षिक उद्देश्यों के आधारों के बारे में भी अध्ययन किया था। तो जो शैक्षिक उद्देश्यों के आधार हैं उन्हें हम लिख कर भी समझ लेते हैं। जो शैक्षिक उद्देश्य के आधार हैं, जिनके आधार पर ही शैक्षिक उद्देश्यों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इन आधारों को हम लिखते हैं। ये आधार जो हैं वो निम्न प्रकार से हैं, शैक्षिक उद्देश्यों के आधार। जैसे इन आधारों में हमने पढ़ा था कि छात्र जो हैं किस प्रकार का उनका लक्ष्य है, किस तरह की उनकी आवश्यकताएं हैं, तो उन्हीं आधारों के आधार पर हम उनके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तो इसी आधार पर, इनके आधार में भी मुख्य बात क्या होगी, छात्रों की आवश्यकताएं तथा उनकी रुचियां। सबसे पहला है छात्रों की आवश्यकता तथा रुचियां। छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर ही हमें शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करना होता है। छात्रों की आवश्यकताएं जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर उनकी अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं। जैसे विद्यार्थी कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में या कहीं सामाजिकता के क्षेत्र में, कहीं और व्यवसाय उनका कोई और मनोरंजन से संबंधित हो सकता है। कई प्रकार के क्षेत्रों के आधार पर ही वह अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। तो इस आधार पर बालकों की रुचि किस क्षेत्र के अंतर्गत अधिक है, इसी आधार पर उनके शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में सहायक होती हैं। उनकी आवश्यकताओं का आधार देखें तो जैसे मानो विभिन्न प्रकार की उनकी जीवन की जो क्रियाएं हैं उन्हें संपूर्ण ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए भी उनकी जो उन्होंने क्षेत्र में किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है वह सहायक होती है। तो इस आधार को लेकर भी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार विषय का महत्व और उसकी प्रकृति भी शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विषय का महत्व तथा उसकी प्रकृति, विषय का महत्व तथा उसकी प्रकृति। विषय का किस प्रकार का महत्व है, किस तरह का पाठ्यक्रम है, किस विषय के शैक्षणिक उद्देश्य क्या हैं, किस तरह के उस विषय से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, तो इस आधार पर भी विषय का महत्व बढ़ जाता है। उसके स्वरूप, उसकी प्रकृति का भी महत्व हो जाता है। इसी आधार पर भी उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि जो समाज है, राष्ट्र है, उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जो भी व्यक्ति हैं उनकी क्या अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं के आधार पर वह उसी प्रकार के विषय का चुनाव कर सकेंगे जिसके आधार पर वह अपनी जीवन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सफल हो सकें। तो इस आधार पर विषय की प्रकृति भी शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में सहायक होती है। जैसे भावों और विचारों के आदान प्रदान को शुद्ध और प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त करने के लिए, उनके जो भाषा है उसको सुदृढ़ करने के लिए उसी प्रकार के विषय का
निर्धारण किया जाना और उस विषय में इसी प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाना आवश्यक होता है। तो इस आधार पर जो भी भाषा से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम होगा उस पाठ्यक्रम को उस विषय के अंतर्गत रखा जाएगा। चिंतन मनन अभिव्यक्ति में भी किस प्रकार भाषा का वह व्यावहारिक उपयोग करेंगे, भाषा की सहायता से किस तरह से बालक अपने व्यक्तित्व को संवर्धित करेगा, विकसित कर सकेगा, ताकि वह अपनी जो दैनिक जीवनचर्या है या कहें भावी जीवन में भी उसका उपयोग वह कर सकेगा, प्रभावशाली रूप से अपने व्यक्तित्व को समाज के सामने रख सकेगा। तो इस आधार को भी शैक्षिक उद्देश्य में लिया जाता है। जैसे हिंदी के लिए साहित्य की भी हम बात करें तो साहित्य भी क्या करता है, पाठक जो भी हैं पढ़ने वाले हैं उनके ज्ञान को बढ़ाता है, ज्ञान को संवर्धित करता है, और जो भी विषय वो पढ़ रहे हैं, जो साहित्य पढ़ रहे हैं उसमें रुचि भी उत्पन्न हो, इस तरह का प्रयास भी किया जाता है। तो विभिन्न जो सामाजिक जो भी विभिन्न सामाजिक मूल्य हैं, विभिन्न साहित्य की शैलियां हैं, इनसे भी बालक अवगत हो पाता है। इसी के साथ साथ जैसे हमने और भी शैक्षिक उद्देश्यों के आधार के बारे में पढ़ा था, जो समाज का और राष्ट्र का जैसे स्वयं व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं, इसी तरह समाज और राष्ट्र की भी मूलभूत आवश्यकताएं हो सकती हैं। इन आवश्यकताओं के आधार पर भी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि अपेक्षा यह होती है, क्योंकि समाज भी यह चाहता है कि हम हमारे नागरिक किस प्रकार के तैयार करें, किस तरह से हमारे समाज की जो भी आवश्यकताएं हैं वह पूरी हो सकेंगी। राष्ट्र भी यही चाहता है कि हमारे देश के किस तरह के सभ्य सुयोग्य नागरिक हमें चाहिए, और इस तरह के नागरिकों को तैयार करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा या कहें शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। तो इस तरह के पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए इसी प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों का भी निर्धारण किया जाता है। जो हमारे समाज और राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी हमारे शैक्षिक उद्देश्यों के मूल आधार का कार्य करती हैं। समाज व राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकताएं, इसी तरह से समाज का राष्ट्र का क्या जीवन दर्शन है वह भी शैक्षिक उद्देश्यों से प्रभावित होता है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर भी शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। समाज का जीवन दर्शन, उसकी किस प्रकार की संस्कृति है, किस तरह का जीवन दर्शन है, वह भी शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में सहायक होता है, क्योंकि समाज के जीवन दर्शन का उपयोग एक निष्कर्ष के रूप में भी किया जाता है, जिसकी सहायता से उद्देश्यों में से उचित और महत्वपूर्ण उद्देश्यों का चयन करने में सहायता मिलती है, कि कौन से हमें उद्देश्य पूरे करने हैं, कौन से उद्देश्यों से आवश्यक भौतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की व्यवस्था की जा सकती है, जिनके संदर्भ में उद्देश्यों का विश्लेषण, उनकी तुलना और उनका तुलना और एक तरह से उनका विश्लेषण करके उनमें का चुनाव किया जा सके कि कौन से उद्देश्यों का हमें निर्धारण करना है। इसीलिए उद्देश्यों को भी और अलग अलग भागों में बांट देते हैं, प्रमुख उद्देश्य, गौण उद्देश्य, कौन से उद्देश्यों की महती आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है, उसी के आधार पर उद्देश्यों को और अलग अलग विभाजित भी कर दिया जाता है, अलग वर्ग भी बना दिए जाते हैं। इसी तरह से साहित्य की सहायता से पाठकों पर सद संस्कार डालना भी शैक्षिक उद्देश्यों के आधार में सम्मिलित किया जाता है। साहित्य की सहायता से पाठकों पर सद संस्कार डालना
सद संस्कार डालना। इस तरह से जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनका निर्धारण किया जाता है। इसके बाद हम शैक्षिक उद्देश्यों की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। इसके अलावा भी हम शैक्षिक जो भी मनोवैज्ञानिक मान्यताएं हैं उनको भी शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में हम उनका भी उपयोग कर सकते हैं, उन्हें भी उनके आधार पर भी शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित कर सकते हैं। अब जो शैक्षिक उद्देश्यों की विशेषताएं हैं उन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्य क्यों निर्धारित किए गए हैं, क्या इनका महत्व है, किस कारण इनका निर्धारण किया जाता है, क्योंकि यह शिक्षण के परिणामों की ओर भी संकेत देते हैं। ये यह परिभाषित करते हैं कि अपेक्षित क्या व्यवहारगत परिवर्तन हमें विद्यार्थियों में करना है, उसका निर्धारण भी इनके माध्यम से किया जाता है। तो ये परिभाषित करते हैं कि हमें प्राप्त करना क्या है, तो इसे भी बताने का कार्य क्या करते हैं, शैक्षिक उद्देश्य करते हैं। और भी जो जटिलताएं हैं वह भी शैक्षिक उद्देश्यों के माध्यम से सरल करके उन्हें भी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो इस आधार पर हम शैक्षिक उद्देश्यों की विशेषताओं का भी अध्ययन करते हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों की विशेषताओं का वर्णन लिख लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की विशेषताएं। नंबर पहला, यह परिणामों की ओर संकेत देते हैं। जैसे कि हमने कल भी शैक्षिक उद्देश्य जब पढ़े थे उनको हमने परिभाषित किया था, अर्थ समझा था, तब यही समझा था कि किस प्रकार शैक्षिक उद्देश्य यह निर्धारित कर देते हैं कि अमुक विद्यार्थी से हम जो अधिगम उसे करवा रहे हैं उससे हमारी क्या अपेक्षा है, किस प्रकार का व्यवहारगत हम परिवर्तन उसमें चाहते हैं, किस तरह के परिणाम की प्राप्ति हम चाहते हैं, तो उद्देश्य यही निर्धारित करते हैं। तो इस आधार पर इनकी विशेषताओं में हम यह बता सकते हैं कि यह शिक्षण के परिणाम का संकेत भी देते हैं। संकेत कैसे दे रहे हैं कि उद्देश्य के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है कि अमुक पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थी में इस तरह के परिवर्तन, व्यवहारगत परिवर्तन होंगे, इस प्रकार के अधिगम की प्राप्ति हम करवा सकेंगे। तो इस तरह से पहले से ही उस परिणाम का निर्धारण भी किया जाता है, उसका संकेत भी शैक्षिक उद्देश्यों से प्राप्त हो पाता है। तो ये शिक्षण के परिणामों का संकेत देते हैं, ये शिक्षण के परिणामों का संकेत देते हैं। ये परिभाषित करते हैं कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। ये परिभाषित करते हैं कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं।
देखो ये सेंटेंस भी यही स्पष्ट कर रहा है कि अधिगम के दौरान किस प्रकार का व्यवहारगत परिवर्तन हम विद्यार्थियों में चाहते हैं इसका निर्धारण भी शैक्षिक उद्देश्य कर देते हैं और इसी चीज को वो परिभाषित भी करके स्पष्ट करते हैं। उन्हीं के स्पष्टीकरण की और अधिक व्याख्या शैक्षिक उद्देश्य के द्वारा ही संभव हो पाती है। इनमें जटिलता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इनमें जटिलता की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इनका विकास विशिष्ट एवं विविध प्रकार की विषय वस्तु से होता है। इनका विकास विभिन्न प्रकार की विविध व विशिष्ट प्रकार की विशिष्ट प्रकार की विषय वस्तु से होता है। इस विशेषता के आधार पर भी यही निर्धारित होता है कि जिस प्रकार के उद्देश्य हमारे हैं, जिन उद्देश्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसी आधार पर विशिष्ट और विविध अलग अलग प्रकार की विषय वस्तु का भी निर्धारण किया जाता है। उन अलग विषय वस्तुओं के आधार पर ही हम अलग अलग प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाने में समर्थ हो सकते हैं। इस आधार पर ही विषय वस्तु है उसकी प्रकृति का भी निर्धारण किया जाता है। जैसे कि हमने अभी जो शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में लिखा था, विषय वस्तु की प्रकृति और उसका महत्व, यह भी विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में। और इसी आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों की विशेषताओं में हमने विषय वस्तु के विशिष्ट और विविध प्रकार को भी सम्मिलित किया है। आगे लिखेंगे, जैसे जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, ये वो कथन होते हैं जिनसे पता चलता है कि विद्यार्थी अधिगम क्यों करना चाहते हैं। क्यों से अर्थ भी क्या है, वह कारण भी निर्धारित कर देते हैं कि अमुक क्षेत्र में विद्यार्थी क्यों जाना चाहते हैं। जैसे कि हम अधिगम कर रहे हैं एजुकेशन का, अध्यापन कार्य का, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं यह निर्धारित हो रहा है। जो हमारे उद्देश्य हैं इस चीज़ को निर्धारित कर रहे हैं कि हम अध्यापक बनना चाह रहे हैं और इसीलिए हम अध्यापन कार्य का अधिगम कर रहे हैं। अर्थात जो हमारा उद्देश्य है तो यह निर्धारित कर रहा है कि इस तरह का कार्य हम क्यों कर रहे हैं। तो जो शैक्षिक उद्देश्य हैं ये निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थी अधिगम क्यों करना चाहते हैं। तो जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनके लिए हम विशेषता में ये रख सकते हैं, ये वो कथन होते हैं, ये वे कथन हैं जो निर्धारित करते हैं या जिनसे पता चलता है कि विद्यार्थी अधिगम क्यों करना चाहते हैं। ये वे कथन हैं जिनसे पता चलता है कि विद्यार्थी अधिगम क्यों करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं
शिक्षण अधिगम की प्राप्ति शैक्षिक उद्देश्यों से ही संभव होती है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के निर्धारण से पहले शैक्षिक उद्देश्यों का ही निर्धारण किया जाता है। ये ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं कि विद्यार्थी ज्ञान का प्रयोग किस तरह से करते हैं, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के समय ही यह भी निर्धारित किया जाता है कि आने वाली परिस्थितियों में भविष्य में विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान का किस प्रकार उपयोग कर सकेंगे। जैसे हमने जो अभी शैक्षिक उद्देश्यों की परिभाषाएं पढ़ी हैं, वहाँ मैंने आपको बताया भी है कि हम ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, वहाँ शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीन क्षेत्रों में ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को विभाजित किया है। तो वहाँ हम इसका भी अध्ययन करेंगे कि किस तरह से ज्ञान का उपयोग आने वाली परिस्थितियों में विद्यार्थियों को करना होता है, तो उसका निर्धारण भी शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत किया जाता है। तो इस आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों की विशेषताओं में भी हम ये बता सकते हैं कि ये ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं कि विद्यार्थी ज्ञान का प्रयोग किस तरह करते हैं। ये ऐसा विश्लेषण लेषण प्रस्तुत करते हैं कि विद्यार्थी ज्ञान का प्रयोग किस तरह करते हैं। विद्यार्थी ज्ञान का प्रयोग किस तरह करते हैं। शैक्षिक उद्देश्य अधिगम प्रक्रिया की अपेक्षा अधिगम के उत्पाद से संबंधित होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य अधिगम की प्रक्रिया की अपेक्षा अधिगम की प्रक्रिया की अपेक्षा अधिगम के उत्पाद से संबंधित होते हैं। इनमें मानसिक प्रक्रियाओं का, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उनका भी उल्लेख किया जाता है कि किस प्रकार विद्यार्थी अपने अधिगम परिस्थितियों के दौरान किस प्रकार की अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इस आधार पर उनकी जो मानसिक प्रतिक्रिया रहती है, उस मानसिक प्रतिक्रिया के बारे में भी शैक्षिक उद्देश्यों का प्रारंभ में ही निर्धारण किया जाता है
कि जिस तरह की विषय वस्तु या पाठ्यक्रम हम बालकों को पढ़ा रहे हैं, उन तक संप्रेषित कर रहे हैं, उस दौरान विद्यार्थी किस प्रकार की क्रिया करेगा, किस प्रकार की प्रतिक्रिया उसकी हो सकती है, इसका निर्धारण भी किया जाता है। तो इस तरह से शैक्षिक उद्देश्य मानसिक प्रक्रियाओं का उल्लेख भी करते हैं। शैक्षिक उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य मानसिक प्रक्रियाओं का मानसिक प्रक्रियाओं का उल्लेख भी करते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत जो भी समस्त क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं, उनका जो अंतिम उद्देश्य होता है, उसके लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं, उन क्रियाओं के लिए दिशा प्रदान करने का कार्य भी कौन करते हैं? शैक्षिक उद्देश्य ही करते हैं। तो किसी अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो क्रियाएं की जाए, उसके लिए दिशा देने का कार्य शैक्षिक उद्देश्य के द्वारा ही किया जाता है। किसी अंतिम उद्देश्य के लिए किसी अंतिम उद्देश्य किसी अंतिम उद्देश्य के लिए जो क्रिया की जाए, जो क्रिया की जाए, उसके लिए शैक्षिक उद्देश्य दिशा प्रदान करते हैं। उसके लिए यह से अर्थ शैक्षिक उद्देश्यों से है, यह दिशा प्रदान करते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के समय जो भी उद्देश्य निर्धारित होते हैं, उनसे विषय वस्तु की और उसकी जो प्रक्रिया, उसके जो मूल्यांकन है, और उन मूल्यांकनों के माध्यम से किस तरह के उद्देश्यों की प्राप्ति हमें करनी है, तो उनसे जो भी हमें परिणामों की प्राप्ति करनी है, तो उन सभी का मूल्यांकन कार्य करना भी सरल हो जाता है। कैसे सरल हो जाता है? कि जैसे हम किसी भी पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, उससे हम यह भी निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थियों से हमें किस प्रकार के अधिगम की आवश्यकता महसूस होती है, तो इस तरह से उनका यह मूल्यांकन कार्य भी इसके माध्यम से संभव हो पाता है। उद्देश्य निर्धारित होने से विषय वस्तु एवं प्रक्रिया तथा उद्देश्य के परिणामों का मूल्यांकन सरल हो जाता है।